कैसे मैं आपको बताऊं, एकदम भाई प्रसन्न हो जाता है। मंदिर में आके ऐसा सीन होता है भाई। हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। भाई आज 5 ही बजे का उठा हूं मैं। बाकी व्यू देखो सुबह सुबह का, कोई नहीं है यार अपने गुदरी में, देख रहे हो कोई भी नहीं है, रोड पे भी कोई नहीं है। ये अंकल जा रहे हैं ड्यूटी पे, इधर जॉगिंग चल रहा है, ये भी अंकल जा रहे हैं स्कूटी से, मतलब गिने चुने लोग रोड पे दिख रहे हैं भाई। पता है मैंने दृश्यम 1 भी देख लिया, मतलब नॉर्मल वाला दृश्यम, और दृश्यम 2 भी देख लिया। मस्त मूवी है यार। कल रात में 1 बजे सोया था मैं, और सुबह 5 बजे जगी गया काम निपटाने के लिए, मतलब 4 घंटे 4.5 घंटे मैं सोया हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं। अभी मैंने बहन से तय करा था, तू जगा दियो मेरे को, मैं 3 काम तेरा निपटा दूंगा, मोटर चालू कर दूंगा, कचड़ा फेंक दूंगा और पीने वाला पानी भर दूंगा। तो मोटर तो चालू कर दिया हूँ, कचड़ा फेंक देता हूँ, पीने वाला पानी वही भरेगी भाई, मैं नहीं भर रहा। तो इतना सारा कचड़ा है उसको फेंक देते हैं भाई, वहाँ पे फेंकेंगे, देखो जहाँ पे गाय खड़ी है ना उतना सारा कचड़ा है। फेंक तो दिया जी भाई कचड़ा, उसमें चावल वावल भी था, वो गाय खा जाएगी। देख लो कैसे अपनी गाड़ी रखती है, ये रही भाई अपनी प्लैटिनम 110 एकदम दुआर पे। सोनम रे मुझे तो दू वो काम कर दे, ये वो काम खाली निपटा दे, पानी भर दे जो, ठीक बना, हम जाते नहाए ना, डील दू काम के भाई रे, 3 का मुख्यमंत्री का तो डील होता हो। अरे बाप। तो अभी भाई मैं नहा धोके रेडी हो चुका हूँ, वही वाला स्वेटर डाल लिया यार, बहुत ही ठंडा लग रहा है ना। अभी मैं सोच रहा हूँ चलो मंदिर हो आते हैं, देन उसके बाद दुकान पे जाएंगे। सुनो अभी 12 हटा होता, 12 लागल कहाँ है यार, तुर बार अपना कहा टूटा था, टकला हो जाए क्या चीफ मिनिस्टर, टकला हो जाएगी अंबिकापुर की। भाई इतना चिल्ड हो रहा है ना बाहर यार, मेरा हाथ एकदम सुन्न पड़ गया चलाते चलाते गाड़ी, धूप उगा है लेकिन फिर भी भाई एकदम कनकनी इतना है ना, पूछो मत। प्रसाद तो ले लिया भाई, लगता है आरती हो रहा है यार। चलो जी भाई अपना दर्शन तो हो गया, टाइम देखो लगा लेकिन भाई मन एकदम, जैसे कैसे मैं आपको बताऊं, एकदम भाई प्रसन्न हो जाता है। मंदिर में आके ऐसा सीन होता है भाई। कितना हुआ सर जी आपका? भीड़ देख रहे हो भाई, आज के दिन आज बुधवार है, 8 बज गया भाई दुकान पे आने में। चलते हैं जी घर पे, ड्यूटी पूरा हुआ। जाते जाते भाई दूध और ब्रेड भी ले लिया, बहन मांगी थी दूध रात वाला, कल रोटी बचा है ना, मैं सुबह खा नहीं पाया क्योंकि मंदिर जाना था मेरे को, इसीलिए भाई ले लिया, नाश्ता हो जाएगा अपना, अभी तो 10:30 ही बज रहा है, खाना तो 12:00 बजे खाएंगे ना अपन। भाई घर तो आ गया लेकिन बहन इतनी, मतलब क्या मैं बोलूँ यार, बताओ। चावल बताई थी पापा को लेकिन पापा मेरे को नहीं बताए, इसीलिए चावल नहीं आ पाया, अब फिर से जाना पड़ेगा मेरे को दुकान पे चावल लाने। चावल लाऊंगा तभी तो बनेगा ना, दाल बना, सब्जी उब्जी भी कह ले। बाकी देखो आज बन रहा है भाई कलौंजी, और पापा के लिए करेला लाया। चलते हैं यार फटाक से चावल लेके आ जाते हैं। सुन बढ़िया चाय बनी है ना, लाल एकदम मजा आवे के चाय। भाई अपना चावल तो हो गया, गिरे ना यार। लो जी ले आया भाई, देखो अभी कौन आया है। तुम्हारा क्या नाम है? शक्ति गुप्ता। तुम क्या खाई हो? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। दूधे रोटी खाई हो? हाँ। तुम बहुत सुंदर हो यार। सुंदर नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, देखो कितना स्मार्ट लग रही हो। ओ भाई ओ भाई। तुम्हारी बहन स्कूल गई है क्या? हाँ। अच्छा तो सोनू भैया को पढ़ाई लिखाई नहीं करता। अच्छा अच्छा, हमारा तो समझ में नहीं क्या बोल रहा। भाई अभी बहन को छोड़ने गया था और पापा को भूख लग गया, तो फिर वापस आके भाई समोसा दे के जा रहा हूँ। अब चलते हैं भाई रूम पे, कहीं बाहर जा नहीं पाऊंगा यार, अंधेरा हो जा रहा है भाई, 5 बजे तक अंधेरा हो जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो अभी भाई मैं काम ही निपटा रहा था, अब देख सकते हो बहन का फोन आ गया कि आ जाओ भाई लेने आ जाओ। चलते हैं यार, इधर का पहले लाइट बंद करते हैं और इधर रूम का जलाते हैं, ताला लेते हैं, ताला लगाते हैं, ताला लग गया, अब चलते हैं। सोनम रे बहुत ठंडा लगा था यार भाई, बहुत ही ज्यादा ठंडा है यार बाहर, एकदम कनकनी है। चावल बाना सोनम, चावल बाना,
चलो यार फ्राई करके चावल ही खाएंगे, बाहर से कुछ नहीं ले रहा मैं। कुछ टाइम पापा को समोसा लेके गया लेकिन भाई मैं नहीं खाया, पेट यार गड़बड़ हो जाता है इसीलिए भाई मैं इग्नोर करता हूँ समोसा फमोसा। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ दुकान, टाइम देख सकते हो 8:30, आज दुकानदारी नहीं है एकदम, आलू भी नहीं अपने गोदाम में, इसीलिए पापा बोल रहे हैं जल्दी चल बढ़ा दे, सोएंगे दबा के। इधर देखो बहन सो रही है, ले सुनो फोन पकड़, प्लीज सुनो उठा दिए, प्लीज प्लीज इतना तो कर सके ना भाई का देर। तो अभी भाई दुकान उकान बढ़ा के मैं आ चुका हूँ, खाना भी खा लिया, आज बना था सिंपल सा खाना, रोटी और आलू का सब्जी, कोई सब्जी था नहीं तो आलू का ही बहन ने सब्जी बना दिया, बाकी पापा अभी तक नहीं खाए भाई, इसका इंतज़ार कर रही है जल्दी से गर्म हो जाए फिर वो दूध रोटी खाएंगे। बहन तो इधर चापे जा रही है खाए जा रही है सॉरी भाई सॉरी। चलो इस वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई, अभी मैं जा रहा हूँ सोने, अभी टाइम मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा आज जल्दी ही दुकान बढ़ा दिए थे, देखो कितना टाइम हो रहा है मैंने देखा भी नहीं, 10:17 हो रहा है भाई। तो आई होप 10:30 बजे तक अपन सो जाए, 10:30 बजे सो जल्दी ना यार, 11 बजे जाला भाई। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नए ब्लॉग में, ब्लॉग देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, इतना खा लिया कि पेट भी नहीं भर गया देख सकते हो आप। चलो बाय, गुड नाइट।